नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट पर। मैं हूं आपके साथ रितिका। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता संजय दत्त 29 जुलाई को अपना 62वां जन्मदिन मना रहे हैं। आज ही के दिन वो साल 1959 में सुनील दत्त और नरगिस के घर में पैदा हुए थे। सुनील दत्त और नरगिस अपने जमाने के एक मशहूर कलाकार रहे हैं। संजय दत्त भी अपने माता पिता की तरह ही बेहतरीन कलाकार रहे हैं। उन्होंने बॉलीवुड में कई हिट फिल्में दी है जिन्हें आज याद भी किया जाता है। भले ही उनकी फिल्मी लाइफ जितनी भी हिट रही हो, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही फ्लॉप रही है। उन्होंने अपने जीवन में तमाम तरह के उतार चढ़ाव देखे, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। अपने अलग अलग अंदाज और बेहतरीन एक्टिंग के दम पर उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों के दिल पर राज किया, लेकिन अपने जीवन में वो कई बुरे दौर से गुजरे हैं। 1981 में आई उनकी फिल्म रॉकी से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। पहली ही फिल्म से संजू बाबा के बुरे दौर की शुरुआत भी हो गई थी। दरअसल उनकी पहली फिल्म के प्रीमियर से ठीक 3 दिन पहले उनकी मां नरगिस इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद से उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें 5 महीने की जेल भी हुई थी। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के नशा मुक्ति केंद्र में 2 साल रहकर ड्रग्स से पीछा छुड़ाया। इसके बाद वापस लौटकर उन्होंने बॉलीवुड में दमदार एंट्री मारी। बॉलीवुड में दोबारा एंट्री करने के बाद उन्हें ऋचा शर्मा से प्यार हुआ। वो उनसे उम्र में बड़ी थी, जिसके बाद दोनों की शादी हो गई। सब कुछ सही ही चल रहा था कि तभी पता चलता है कि उनकी पत्नी ऋचा को ब्रेन कैंसर है। इस खबर ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया। हालांकि इस दौरान उनकी फिल्में लगातार हिट हो रही थी, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में उथल पुथल मच गया था। पहले माँ और फिर पत्नी दोनों के जाने से वो पूरी तरह से टूट चुके थे। लेकिन एक ऐसा समय भी आया जिसने उनकी जिंदगी को ही बदल दिया। साल 1993 में जब उन पर मुंबई बम धमाकों की जांच के दौरान हथियार रखने का आरोप लगा, ये वही साल था जिसने उनकी जिंदगी को पलट दिया। सभी उन्हें गुनाहगार मानने लगे। 16 महीने की जेल और लगभग 20 साल तक अदालतों के चक्कर काटने के बाद जब वो रिहा हुए, इसके बाद उन्होंने मुन्ना भाई की। इसके बाद संजू बाबा की इमेज बदलने लगी। ये फिल्म उनके करियर के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस फिल्म के सीक्वल लगे रहो मुन्ना भाई से उनके करियर को और बुलंदी मिली। फिल्म में बुलंदी हासिल कर रहे संजय इसके बाद मान्यता से शादी करते हैं और अब उनके 2 बच्चे भी हैं। ऐसा लग रहा था कि उनकी जिंदगी में सब ठीक है, लेकिन तभी पता चलता है कि संजय दत्त कैंसर से पीड़ित है। एक बार फिर उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद विदेश में उन्होंने अपना इलाज कराया और अब वो पूरी तरह से ठीक है। उनकी जिंदगी भी अब पटरी पर दौड़ रही है। बता दें, संजय दत्त जल्द ही फिल्म KGF चैप्टर 2 में नजर आने वाले हैं। संजय ने अपने जन्मदिन के मौके पर इस फिल्म का अपना फर्स्ट लुक जारी किया है। संजय ने जन्मदिन के मौके पर फिल्म से अपना नया लुक शेयर किया है। पोस्टर में वो दमदार अंदाज में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म में वो यश और संजय दत्त मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म की रिलीज डेट का फैंस को काफी समय से इंतजार है। इसे लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज भी देखने को मिल रहा है। इसलिए जैसे ही फिल्म की रिलीज को लेकर कोई भी चर्चा होती है तो KGF 2 सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी होने लगता है।